जो जो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी, जो पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के नाम पर भी जाना जाता था उसको, तो अभी उसका नया नाम सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी। तो वो डिपार्टमेंट में पंडित जी का कुछ काम था, जो देख सकता है अपना गाड़ी। सबसे पहले मास्क लगाना ज़रूरी है बहुत, तो वो लगाते हैं हम पहले। बारिश दे रहा है भाई साहब। 6 बज गया क्या? 6 कितना बजा अभी? अभी 4:40 को निकल रहे हैं। यहाँ पर बारिश का मौसम है, पूरा बारिश ही बारिश दे रहा है। बताओ क्या बारिश तो पूरा इतना लगा के उसको पता ही नहीं चल रहा कि बारिश दे रहा है। बस हमको ही नजारा देखो, बारिश की वजह से पूरा धुआं धुआं दिख रहा है, पूरा चारों तरफ जंगली जंगल हरियाली। यहाँ पे ऐसे बहुत दिन हो गया पुणे में बारिश ही चल रहा है, तो बारिश की वजह से ज्यादा और हरियाली दिखाई दे रहा है चारों तरफ। कैसे नजारा, पूरा सुनसान जगह पे जा रहे हैं हम दोनों। नेचर से इतना प्यार क्यों है? ऐसा इतना खूबसूरत से पेड़ पौधे देखने से कितना एक्साइटेड हो जाते हैं हम, और हम ही लोग होते हैं जो इनको ही काट देते हैं। तो इसलिए जितना हो सके, अगर एक पेड़ अगर काटना होता है मजदूरी में या कुछ काम की वजह से, तो फिर एक पेड़ की जगह में आप 4-5 पेड़ लगा लेना। बारिश अभी पूरा मुझे देख सकते हो आप, में ये लॉ डिपार्टमेंट ये कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज। अच्छा, हम लोगों को यही पे जाना है। पंडित जी का डिपार्टमेंट यही है, यही ना? लेट हो गया, बंद लग रहा है, लेट हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस। तो लो, हम जिस काम के लिए आए वो तो ऑफिस ही बंद था अभी। अभी कितना, हम 10 मिनट में पहुंच गए तो, हमने 10 मिनट का रास्ता ही है यूनिवर्सिटी हम जा रहे थे। ये है हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल इमरजेंसी का। यूनिवर्सिटी में कुछ भी अगर हेल्थ का इशू आया तो ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जो अपने को बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। भाई नज़ारा देखो, नज़ारा देख, जॉगिंग कर रहे हैं। हमको भी करना था, कितना दिनों से हम बोल रहे कि वॉक करेंगे वॉक करेंगे, लेकिन होता ही नहीं। पता नहीं कहाँ से मोटिवेशन मिल जाएगा अपने को। अभी
बारिश का रुक गया ऐसे। यहाँ पर है बुद्ध विहार यूनिवर्सिटी के अंदर, हम इसी पे जाएंगे अंदर। सलाम, यह है यूनिवर्सिटी के अंदर का बुद्ध विहार। यहाँ पर है पीछे में बंडी जी लोगों का रहने का व्यवस्था, और ये अपना कालू। हेलो, इसका आग क्या हो गया देखो। ये डॉक्टर वासुदेव गारे, इसे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था पहले, तो उसी ने ये बिल्डिंग को बंटी जी लोगों को रहने के लिए ये सेंक्शन किया था, तो उसी के नाम पे ये साइन बोर्ड। हेलो, हेलो, ठीक है, बाय बाय कालू। जाते जाते एक बार और दर्शन दीजिए भगवान बुद्ध का और बाबा साहेब अम्बेडकर को। बाय बाय कालू। मेन बिल्डिंग इस तरह, वहाँ भी देख दे रहे भैया दिखता है, लेकिन मुझे ऐसे रास्ते पे पैर होने से बहुत अच्छा लगता है, दिखने में भी पूरा क्या बोलेगा अभी, कैसे वाया करेगा उस इमोशन को। ब्रिटिश का ऑफिस था बन रहा है ये, तो इसको अभी यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग, ये देखो देखने में ही वैसा है कि पुराने जमाने का बिल्डिंग की तरह, तो अभी तक इसका वैसे ही रख दिया जैसे पहले था, इसका ना एक्स्ट्रा कलरिंग वगैरह कुछ किया नहीं, उसका तो रूप भी वैसा ही है। यहाँ पर सामने जो दिख रहा है ये फाउंटेन था पानी का, तो यहाँ पे थोड़ा मुझे भी इतना जानकारी नहीं है ये बिल्डिंग के बारे में, तो थोड़ा सा गूगल करके देख लेना कि सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग का हिस्ट्री अगर आपको जानना है तो ये देखो चारों तरफ मेन बिल्डिंग का खूबसूरती, जैसे बहुत अच्छा लग रहा है अभी ये, तो उसका नेचर जो कैसे संभाल के रखा था, फूल पौधे, आइए दिल रह रहा है मेरा ये तारी, ये साइड का नज़ारा तो कुछ और ही दिख रहा है आपको, फिर दिखा देता दूसरी साइड पे भी ऐसे सेम ही डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो देख लो। ओ भाई, इसको रहने मन नहीं करेगा यार, भाई मुझे तो यहाँ पे लेटने मन कर रहा है जो भी बोलो। अगर यहाँ पे एंट्री होता या बारिश नहीं होता
तो मैं ज़रूर ले जाता। अभी सब गिला गिला हुआ ये है बिल्डिंग सावित्री बाई सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग देखो भाई खूबसूरती। चलो आपको दिखा देते हैं चारों तरफ बिल्डिंग के चारों तरफ तो नहीं जा पाएंगे शायद पीछे के साइड में, फिर भी जितना होता है आप लोगों को दिखा देता मैं। पहले ये देखो नज़ारे, पुणे विद्यापीठ देखो ये सब गिला गिला हो गया बारिश की वजह से। चलो यहाँ पे आप लोग तो कूद नहीं आ सकते तो मेरे साथ साथ वॉक करते हैं यहाँ ग्रास पे। ये देखो पीछे का साइड में दिखा देता आपको बिल्डिंग का, ये देखो बारिश की वजह से सब मिट्टी आ रहा है ऊपर। देखो वहाँ पे सावित्री बाई फुले मजा आ गया यार देख के आज पुणे यूनिवर्सिटी। और भी ऐसे बहुत सारे खूबसूरत जगह है तो आज आप लोगों को बस ये दिखा देता। तो अगले और वीडियो में हम पुणे का अलग अलग हिस्से में जाएंगे, आपको दिखाएंगे पुणे का खूबसूरती और डिटेल में। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ और स्लिपरी हो रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं, रास्ता पूरा गिला हो गया। ऐसे बारिश में जब जितना भी भीगा वो सब ये हो गया, मतलब उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है अभी कि हाँ बारिश में भीग मिग भी आए ऐसा धूप ऐसा पूरा कुछ भी नहीं। अभी सब पूरा सुकून सा मिल रहा है यहाँ पर उसके वहाँ पे अपना राष्ट्र झंडा इंडियन फ्लैग। ऐसे बोल रहे हैं कि ये पीछे का तरफ से है लेकिन आगे के तरफ से जो वीडियो शूटिंग वगैरह करने नहीं देते। देखो पीछे से अगर इतना खूबसूरत लग रहा होगा तो आगे से क्या दिखता होगा। हो गया अपना पेट्रोल ही खत्म हो गया अपना गाड़ी में भाई साहब, आप लोगों को एक चीज दिखा देता मैं।